नहीं वो तो फिर नैब ने उसे करना है, मैंने तो नहीं करना, ना हमारी हुकूमत ने किया है। इनके खिलाफ तो अभी तक हमारी हुकूमत का कोई बना हुआ मुकदमा ही नहीं है जिस पे ये सीखपा हो रहे हैं। ये तमाम मुकदमात तो या इन्हीं के दौर में शुरू हुए या इन्हीं के दौर में एग्जीक्यूट हुए, इन्हीं के दौर में इन्हें नोटिस सर्व हुए, इन्हीं के दौर में ये सारे मुकदमात बने। हमने तो कोई पोलिटिकल काम किया ही नहीं, हम तो काम कर रहे हैं सिर्फ आप पॉलिटिकल काम करते भी नहीं हम चौधरी साहब, आप वाकई पॉलिटिकल काम कोई नहीं करते। राणा साहब असल में ना आपको आदत हो गई है, आपको वो वीडियो भूल गई असल में, और कोई बात नहीं है। मैं कभी मुझे भी याद है, कौन को भी याद है चौधरी साहब, उस वीडियो को झूठा झूठा साबित हो चुकी। और छोड़े इन बातों को, आप लोग बात करें कि आज इस कौम की जो चीखें आपने निकलवाई हैं इसकी इसका जवाब दें। चीखें जो हैं इनके जिम्मेदार आप लोग हैं जिन्होंने 38 साल इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। शेमा आप पहले कौन सी नहर की दूध की नहरें बह, अब लोग आपका ये ड्रामा सुनने को चौधरी साहब तैयार नहीं है, लोग अब ये ड्रामा सुनने को आपका तैयार नहीं है। अगले 10 साल तक इमरान खान का अब एहतसाब पाकिस्तान की गलियों कूचों में होगा। अच्छा, इस बंदे का जिस जो होगा राणा मशहूर साहब, अकरम चौधरी साहब, सर पुराने मंसूबे जो हैं उनकी तकमील हो चुकी, उसके ऊपर तख्तियां लगाई जा रही, कोई नए मंसूबों का संगे बुनियाद भी रख दें, कोई काम हमें नजर आ जाए कि अच्छा ये भी शुरू किया जा रहा है। आपको नहीं लग रहा कि ये डेवलपमेंट और सारी चीजें बहुत बुरी तरह से ठप पड़ी हैं, समेत मईशत के, स्टॉक मार्केट के, हर तरह के कारोबार जो हैं वो खराब हैं, तो ये अब कितना अरसा चलेगी ये गर्दान एहतसाब की? नहीं, मुझे ये बताइए कि ये जो सूरत हाल आज मुल्क की है इसकी जिम्मेदारी ये 6 या 7 माह की PTI है। नहीं दुरुस्त कह रहे हैं आप, ये नहीं उसके ये ओवरनाइट जो नतज आ बिल्कुल है, 7 महीने पहले यहाँ शहद की नहरें बह रही थी, अचानक शहद की नहर PMLN ने रोक दी, ये 30,000 अरब रुपए के कर्जे अचानक PTI ने ले लिए, ये $100 अरब का कर्जा अचानक PTI ने ले लिया, ठीक है, ये डॉलर अचानक 122 से मैंने ब्रेक पर रुकना है, जी ब्रेक के लिए रुकना है और उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे।